हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेजिटेरियन ऑमलेट बनाना सिखा रहा हूँ। आपने आज तक जो भी ऑमलेट खाए होंगे, आपने हमेशा एग यूज़ करके बनाया होगा। ये ऑमलेट मैं बेसन और मैदे से बना रहा हूँ। तो इस ऑमलेट को बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, आप देख सकते हैं। इस कटोरी में मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, एक कटोरी बेसन लिया है, तो उसमें जो आपका मैदा लगेगा वो आपका 3/4 कटोरी मैदा लगेगा। प्याज आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने एक प्याज इसमें काट के रख लिया है बाउल में। क्या मैंने एक बड़ी हरी मिर्च काट ली है और धनिया पत्ती काट ली है, ये भी आप अपने स्वाद अनुसार जितने मिर्च चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। और इसको घोल बनाने के लिए मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है, तो बेकिंग पाउडर जो है मैंने इसमें 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे और जब इसका घोल बनाएंगे तो इसका घोल काफ़ी पतला बनाएंगे, क्योंकि अंडे का भी जो घोल जब बनाते हैं पतला होता है, इसका ये घोल काफ़ी पतला बनेगा। फ्रेंड्स, अब हम इस ऑमलेट का घोल बना लेते हैं। तो इसमें मैंने प्याज तो पहले डाली है, अब मैं इसमें अपना थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो है वो डाल देता हूँ। एक कटोरी जो मैदा था वो डाल लेते हैं। थ्री फोर्थ मैदा और बेसन अब हमने इसमें डाल लिए। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच। कटी हुई मिर्च, कटी हुई धनिया पत्ती, एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। हम इसका घोल बना लेते हैं। इसका घोल बनाने के लिए मैंने अभी आधा कप पानी लिया है, आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से इसका घोल बना लेंगे। और ये जो वेजिटेरियन ऑमलेट की जो रेसिपी है, जब ये ऑमलेट बनेगा और इसको टेस्ट करेंगे तो उसकी जो खुशबू भी आती है बिल्कुल ओरिजिनल ऑमलेट जैसे आती है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अंडे का ऑमलेट नहीं खा रहे हैं। आप अगर कोई नॉन वेजिटेरियन बंदा भी खाएगा तो उसको यही फीलिंग आएगी कि अंडे का ही ऑमलेट खा रहे हैं। और देख सकते हैं कि हमारा घोल रेडी हो गया, अब हम ऑमलेट बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमारा घोल पूरा तैयार हो गया है, अब हम इसका ऑमलेट बना लेते हैं। इस ऑमलेट को बनाने के लिए तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही कम तेल यूज़ होता है रेसिपी में। बस 1 चम्मच तेल लेते हैं और उसको पूरा अपने पैन में तला लेंगे। और जब हम ऑमलेट बनाएंगे तो गैस को हमेशा सिम में रखेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं बनाएंगे। देखिए, ऑमलेट को डालने का भी एक स्पेशल तरीका है। जैसे इसमें इतनी हमने डाला है प्याज, धनिया पत्ती और जो मिर्च डाली है, एक जगह नहीं है, इसलिए हम उसको पूरा फैलाते हुए डालेंगे। फ्रेंड्स,
अब आप देख सकते हैं कि इसका निचला साइड पक गया, और इसमें जो हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसकी वजह से ऑमलेट जैसा ही इसमें पोर्स बन चुके हैं। तो हम इसको पलट लेंगे। तो पलटने से पहले मैं थोड़ा सा तेल वापस डाल देता हूँ, हल्का हल्का तेल इसके ऊपर डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा साइड में भी डाल देते हैं। हमारा एक साइड का पूरा पक गया था, जब आमलेट को पलट लिया दूसरे साइड इसको पूरा पकने के लिए इसको सिम में ही रखेंगे ताकि ये पक गया है। और जब ये पूरा दूसरा साइड भी पूरा पक जाएगा तो आपका आमलेट रेडी हो जाएगा। इसको खाने में बिल्कुल सेम फ्लेवर आएगा जैसे आपको अंडे का आमलेट खाने में आता है। अब आप देख सकते हैं हमारे आमलेट का दूसरा साइड भी पूरा पक चुका है। अब आप इस ऑमलेट को आप कैसे भी खा सकते हैं, तो ब्रेड एग के फॉर्म में ब्रेड के बीच में रख के खा सकते हैं, या आप इसको पराठे या चपाती के साथ भी खा सकते हैं, रोल बना के भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपीज़ को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको एवरी वीक जो भी नई रेसिपी आए वो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नई रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू।